देखो, जब तुम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हो तो तुम्हारा करियर तो हो गया सेट, लेकिन अगर उस करियर के ऊपर कुछ और भी चाहिए, और पैसे चाहिए, और बढ़िया करियर चाहिए, और अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए, और अच्छे कलीग्स चाहिए, और बड़ी कंपनी चाहिए, अगर आपको बहुत सारा बहुत कुछ चाहिए तो फिर ये वीडियो देखो। देखो, माइक्रोसॉफ्ट में हर किसी की सैलरी 1 करोड़ नहीं होती, हर कोई माइक्रोसॉफ्ट में जा भी नहीं पाता, हर कोई जब माइक्रोसॉफ्ट में होता है तो उसको गूगल से कई बार ऑफर भी नहीं आते। तो ऐसा क्या किया मैंने अपने करियर में कि ये सारी चीजें हुई, आपको 5 चीजें बताता हूं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका करियर भी माशाल्लाह सुभानअल्लाह बहुत अच्छा हो सकता है। सबसे पहली चीज है यार, एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना जरूरी है। और देखो, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि तुम शुरू हो जाओ जाके लिंक्डइन पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे ज्ञान फैलाना और रील्स बनाना और वीडियोस बनाना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? जरूरत ये है कि लोग तुम्हें तुम्हारी टेक्निकल नॉलेज के लिए जाने, और उसके लिए बहुत सिंपल चीज कर सकते। मैं तुम्हें बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट में जो मुझे इंटरव्यू मिला उसके पीछे लिंक्डइन के 3 ब्लॉग्स थे। मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा था, मैंने 3 ब्लॉग्स लिखे थे लिंक्डइन पे। एक लिखा था कि कैसे एंगुलर से रिएक्ट में शिफ्ट किया जाए, क्या माइंडसेट रखना चाहिए। एक लिखा था कि कैसे स्पीड अप किया जाए वेब एप्स को, अपने वेब एप्स को परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जाए, और एक और कोई ब्लॉग था जो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 3 ब्लॉग्स थे, उन 3 ब्लॉग्स को कुछ लोगों ने देखा, एक रिक्रूटर ने देखा, कुछ और लोगों ने देखा, और उन्होंने बोला कि इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। तो कितनी सिंपल सी चीज, कोई जरूरी नहीं है कि भाई मेरे 100,000, उसमें मेरे लिंक्डइन पे 5,000 भी फॉलोवर नहीं थे, बिल्कुल जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि आप अपनी टेक्निकल नॉलेज को शेयर करें और लोगों को बताएं कि यार अगर मैं वेब डेवलपमेंट में हूं तो मुझे वेब डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं। जरूरी नहीं कि जब माइक्रोसॉफ्ट में घुस जाएं या अपने ड्रीम जॉब में घुस जाएं तो हम अपना पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग छोड़ दें। नहीं, उस कंपनी में भी आपको प्रमोशन चाहिए, उस कंपनी में भी आपको रिकॉग्निशन चाहिए, उस कंपनी में भी आपको चाहिए कि लोग आपको जाने, तो वहां भी करते रहो। माइक्रोसॉफ्ट में घुसकर भी ग्राफक्यूएल के ऊपर मैंने इतना काम किया, इतने टॉक्स दिए, इतने ब्लॉग्स लिखे, क्यों? इसलिए ताकि लोग इंटरनली भी जाने कि यार तने प्रताप का एक ब्रांड है, उसको आती हैं चीजें, उसको टेक में मजा आता है। तो ये ब्रांड जब आप बनाते हो, फिर से मैं कह रहा हूं, ब्रांड को आजकल लोग फॉलोअर काउंट से कंफ्यूज कर देते हैं। नहीं, ब्रांड वो होता है जिसको आप दिखाते हो, आप सामने वाले को समझाते हो कि ये इंसान किसी भी टेक में डीप जा सकता है और डीप पीसेस लिख सकता है, बोल सकता है, समझा सकता है। जब आप ये करने लगते हो, जैसे मैंने एक टॉक दिया था रिएक्ट के ऊपर, उसका नाम था रिएक्ट अंडर द हुड। रिएक्ट अंदर में कैसे काम करता है उसको मैंने एक एग्जाम्पल और एक कोड के थ्रू समझाया था। 200 लोग आए थे उस टॉक में, मेरे तो फॉलोअर्स नहीं थे वो लोग, वो तो रिएक्ट मीटअप था। मैंने मीटअप में गया और वहां पर भी अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया, वहां से फिर ट्विटर की जर्नी शुरू हुई। तो जब आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने का सोच रहे हो तो रील्स, यूट्यूब वीडियोस के चक्कर में ना फंस के अपने टेक्निकलिटीज के डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है, और वही पर्सनल ब्रांड आपको टेक में ज्यादा पैसे, ज्यादा प्रमोशन, ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट दिला सकता है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमेशा सीखते रहना चाहिए। मैं कई बार देखता हूं, मेरे कलीग्स भी ऐसा करते थे और कई लोग ऐसा करते थे कि यार जब उनकी जॉब लगी उन्होंने कहा यार हम तो यहां आ गए, अब तो हो गया, आई हैव अराइव्ड इन माय लाइफ, तो अब मजे करते हैं। देखो, मजा करना गलत नहीं है, लेकिन मजा सिर्फ मजा करते रहोगे और थोड़ा भी साइड में टाइम नहीं दोगे। कई बार मैं वीकेंड पे बैठ के कई सारी चीजें पढ़ा हूं। ऑफिस में हमें मिलता था टाइम कि अगर तुम ये नए टेक में काम कर रहे हो तो इस टेक के बारे में पढ़ लो, लेकिन उसके अलावा भी अपना पर्सनल टाइम हर दिन, हर शाम, हर वीकेंड थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि टेक का जो पेस है ना वो बहुत फास्ट है यार, बहुत तेज चीजें चेंज होती हैं। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा ट्राई नहीं करते रहोगे चीजों को, हर कुछ तो आपको ऑफिस में बोला नहीं जाएगा करने के लिए, हर नया टेक तो आपको बोला नहीं जाएगा कि अरे ये नया वर्जन आया है, ये नया API आया है, चलो चलो इसको लगा देते हैं प्रोडक्शन में। नहीं, प्रोडक्शन एप्स पे तो अपडेट धीरे धीरे होते हैं, पर आपको तो खुद को अपडेटेड रखना है ना, आपको तो देखना है कि अरे चीजें क्या हो रही है, कहां जा रही है दुनिया, और मैं कैसे उसमें अडाप्ट करूंगा। तो लर्निंग कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा ही जरूरी चीज है। ये मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं सिस्को में था उस समय हम लोग वहां पर PHP में एप्स लिखा करते थे और jQuery में एप्स लिखा करते थे। मैंने अपने मैनेजर को बोला कि यार हमें ना PHP jQuery में क्यों लिखते हैं, हमें ना बेटर टेक्नोलॉजीज में एप लिखने चाहिए। उसने कहा अगर तुम लिख सको तो लिख दो। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था भाई कि मैं सब कुछ सीखूं, मैनेजर को बोलूं आप बैठिए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने से सीखा, एंगुलर सीखा उस टाइम पे, और एंगुलर में पहला ऐप बना के दिखाया। और जब एंगुलर का एक्सपीरियंस लोगों ने देखा कि अरे कितना स्मूथ एक्सपीरियंस है, कितना बढ़िया काम कर रहा है, तो फिर उसके बाद सारे एप्स एंगुलर में लिखे जाने लगे। तो वहां से खुद से सीखकर घुसना बहुत जरूरी है, और अपने जॉब में ये इनिशिएटिव लेना भी बहुत जरूरी होता है कि मैं एक नया टेक लेकर आऊंगा और उस टेक को स्टैब्लिश करूंगा अपने टीम के अंदर, अपने पॉड के अंदर, और
इससे फिर से आपका पर्सनल ब्रांड और स्ट्रेंथन हो जाता है, आपकी कॉन्फिडेंस और बढ़ जाती है। तीसरी चीज है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि नेटवर्क करना बहुत जरूरी है, मीटअप्स में जाना, लोगों से मिलना, और नेटवर्क्स के साथ साथ वाउच करना बहुत जरूरी है। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, मैं यहां लगा दूंगा उस वीडियो को, कि नेटवर्क ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे बारे में जाने और तुम्हारे लिए वाउच करने को रेडी हो। और ये कैसे करते हैं, आपको लोगों से अच्छे से मिलना होता है और ध्यान रखना होता है कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो आपकी तरह हैं, जिनको लाइफ में कुछ करना है, जिनको लाइफ में डेप्थ है। ऐसे लोगों से आप मिलोगे तो आप देखोगे एकदम से आपकी दोस्ती हो जाएगी। और यही नहीं, बाकी करियर पाथ में भी जो लोग हैं, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो आप कुछ बैक एंड डेवलपर्स को भी जानिए, कुछ एंड्रॉयड डेवलपर्स को भी जानिए, कुछ iOS डेवलपर्स को भी जानिए, ताकि कल को अगर आपको कुछ चेंज करना हो, कुछ समझना हो, आपका मन इस चीज से भर गया हो, तो आपके पास वो पाथ्स भी ओपन रहे। रुको, कमेंट में मुझे बता देना कि कौन सा स्किल तुम्हें सबसे अच्छा लगा और किस स्किल पे तुम्हें एक लंबा वीडियो चाहिए। अब जो चौथी चीज मैं बोलूंगा ना, उसमें तुम्हें लगेगा कि भैया ये हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बोलने वाला हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स पे भी ध्यान दो। सॉफ्ट स्किल्स सुनते ही तुम्हारा दिमाग चलता है कि यार इंग्लिश अच्छी बोलनी पड़ेगी, इंग्लिश तो मुझे उतनी अच्छी आती नहीं, और इंग्लिश मुझे लिखनी पड़ेगी, और इंग्लिश मुझे इतनी अच्छी आती नहीं है। तो इंग्लिश से सॉफ्ट स्किल को कंफ्यूज मत करो। लोगों के साथ कैसे काम करना है, टीम वर्क कैसे करना है, लोगों से काम कैसे करवाना है, कैसे रिलेशनशिप्स मेंटेन करने हैं, कैसे टीम्स अक्रॉस टीम्स काम करने हैं, कैसे स्टेक होल्डर मैनेज करना है, कैसे मैनेजर को मैनेज करना है, ये सब चीजें सॉफ्ट स्किल्स होती है। आप सिर्फ कंप्यूटर तो हो नहीं कि आपको एक काम दिया गया, आपने कोड लिख के दे दिया, वो तो करना नहीं है, आपको तो टीम के साथ काम करना है। यही तो एक चीज है ना जो चैट जीपीटी नहीं कर सकती, वो एक टीम के साथ काम नहीं कर सकती, वो एक सॉफ्टवेयर को अलग अलग पार्ट में तोड़ के अलग अलग लोगों से लिखवा कर उसका टेस्टिंग करा कर एक जगह जुड़ा नहीं सकती। तो ये चीजें जो है जो आपको टेक लीड बनाती है, जो आपको मैनेजर बनाती है, जो आपको सीनियर बनाती है, इन चीजों पर भी काम करना बहुत जरूरी है। फिर से इसको इंग्लिश से कंफ्यूज करना हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम इंग्लिश अच्छा बोलते हैं तो हमारे सॉफ्ट स्किल्स अच्छे हैं, हमारा कम्युनिकेशन बढ़िया है। नहीं, इंग्लिश तो बस एक लैंग्वेज है। आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है कैसा है, वो ये चीज तो डिसाइड नहीं करता कि आप जावा अच्छा लिखते हो या जावास्क्रिप्ट। आर्किटेक्चर एक चीज होती है, लैंग्वेज एक चीज होती है, तो लैंग्वेज से कंफ्यूज मत करो। हाँ, लैंग्वेज काम आता है, लेकिन ज्यादा जरूरी है आपकी एम्पैथी कितनी है, आप लोगों को कैसे बात करते हो, कैसे समझते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, क्या आप पॉजिटिव एटीट्यूड से, एक प्रॉब्लम सॉल्वर एटीट्यूड से घुसते हो चीजों में या नहीं घुसते हो। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके सॉफ्ट स्किल के अराउंड, क्योंकि लोग, हम सब इतने ट्रेंड हैं दूसरे के बॉडी लैंग्वेज को देखने के लिए, समझने के लिए, कि अगर हम नहीं भी चाहें तो हमें समझ में आ जाता है कि यार ये इंसान ना, इसको कोई काम बोलो दुखी हो जाता है, यार ये ना एक बार हार के वापस आ जाता है, ये दोबारा ट्राई नहीं करता, यार इसके पास हेल्प मांगने जाओ ना तो ये टेंशन ले लेता है, फिर हेल्प नहीं करता, मन से हेल्प नहीं करता। ऐसी चीजें काफी क्लियरली आपके बॉडी लैंग्वेज से दिखती हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको फेक करना सीखो, मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को बदलो, बिकम अ पॉजिटिव पर्सन एंड डेवलप दी सॉफ्ट स्किल्स, की ऐसा इंसान बनो जिसके साथ काम करने में लोगों को मजा आए और आप काम करवा सको और कर सको। पांचवी चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। कैसे बनते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर? देखो, तुम्हारे पास कोई एक प्रॉब्लम लेकर आता है, और ये हो सकता है तुम्हारा जूनियर हो, तुम्हारा कलीग हो, तुम्हारा सीनियर हो, कोई भी प्रॉब्लम लेकर आता है, तुम बोलो कि अच्छा सोचते हैं इसके बारे में, देखते हैं, आओ साथ में बैठ के देखते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, तुमने क्या ट्राई किया चलो उसको देखते हैं, और बाकी लोगों ने क्या सॉल्व किया उसको देखते हैं, रिसर्च करते हैं, आइडियाज जनरेट करते हैं। ये नहीं कि प्रॉब्लम आया और हम तो उल्टे पांव चलेंगे, यार हमने तो कभी ये प्रॉब्लम देखा ही नहीं। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम एक्सपीरियंस है, तो कहां से देखोगे सारा के सारे प्रॉब्लम्स? नहीं देख सकते हो। लेकिन एक अप्रोच होना चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए, और जब ये आपके पास अप्रोच और एटीट्यूड होता है तो लोग आपके पास प्रॉब्लम्स लेके आने लगते हैं। कई बार माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा हुआ कि दूसरे टीम के लोग भी आते थे हमारे पास कि यार तुमने ये जो इंटरव्यू सेटअप किया है, इतनी अच्छी फ्रंट एंड टीम बनाई है, हमें भी आके बताओ कि कैसे इस तरह से फ्रंट एंड के लिए हायरिंग करते हैं, कैसे इस तरह से फ्रंट एंड के लिए टीम को ट्रेन करते हैं। क्योंकि जब मैं कहता था लोगों को कि फ्रंट एंड के लिए डीएसए मत पूछो, तो लोगों को समझ में आता था कि यार क्वेश्चन फिर पूछे क्या, क्योंकि हर कोई ट्रेंड है डीएसए का क्वेश्चन पूछने के लिए। तो फिर मैं उनको बैठा कर समझाता कि देखो, आप सेम क्वेश्चन को फ्रंट एंड की तरफ से इस तरह से पूछ सकते हो, इसको इस तरह समझ सकते हो। तो आप देख रहे हो, सॉफ्ट स्किल्स भी काम आती है आपकी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आती है, और हर चीज हमेशा टेक प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि टेक प्रॉब्लम दुनिया में इनफाइनाइट नहीं है, सॉल्वड है। कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जैसे हायरिंग में आपको लगना पड़ता है, टीम बिल्डिंग में लगना पड़ता है, आपको लगना पड़ता है कि अरे एक हैकाथॉन कर रहे हैं, हैकाथॉन होने वाला है, इसमें कुछ नया बनाएंगे, इनोवेटिव चीज बनाएंगे, आप अवार्ड भी जीतते हो उस चीज के लिए, जैसा मेरे साथ हुआ था माइक्रोसॉफ्ट में। और जब आप ये सब चीजें करते हो तो इन चीजों के लिए आपको ये एटीट्यूड रखना पड़ता है कि यार
कोई भी प्रॉब्लम हो हम एक बड़ी समस्या ढूंढेंगे कि जैसे कि आउटलुक, आउटलुक इतना भारी क्यों है वेब पे, क्या हम उसको 10KB में बना सकते हैं? आउटलुक जो हमारा जीमेल टाइप ऐप होता है जिसको नहीं पता हो, तो क्या हम उसको 10KB में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे? तब हमने सोचा कि अच्छा इसको स्वेल्ट में बनाएंगे, नई चीज भी सीखेंगे, लोगों की टीम इकट्ठी करी। तो ये सब छोटी छोटी चीजें, और जब आप ये अवार्ड जीतते हो एक कंपनी के अंदर, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के अंदर जीतते हो, तब तो उसका बहुत ही ज्यादा वैल्यू हो जाता है ना, आपका पर्सनल ब्रांड और निखर जाता है, आपका नेटवर्क और निखर जाता है। तो ये सब आपस में सेल्फ रीइंफोर्सिंग है, अगर आप एक चीज करोगे तो बाकी चार चीजें हो जाएंगी, कोई भी एक चीज उठाओगे तो बाकी चार चीज इन्फोर्स हो जाएंगी, लेकिन अगर एक चीज में खराब रखोगे तो बाकी चार चीजों पर भी उसका असर पड़ेगा। जैसे देखो, अगर पर्सनल ब्रांड नहीं रहेगा तो अच्छे लोग आपके हैकाथॉन टीम में नहीं आना चाहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं रहेगा तो आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाओगे कि हम एक हार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स नहीं रहेगा तो सब लोग आ भी जाएंगे टीम में, पर्सनल ब्रांड हो भी जाएगा, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी है, लेकिन आप टीम के साथ काम नहीं कर पाओगे 3-4 दिन में, जब प्रेशर होता है कि जल्दी से जल्दी ये ऐप बनाओ। और प्रेशर सिर्फ हैकाथॉन में तो होता नहीं है, डिलीवरी के पहले भी होता है, हर जगह होता है। तो ये सब स्किल्स एक साथ जब सामने आती है तब आप एक विनर की तरफ बाहर निकलते हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन पांचों स्किल्स को लिस्ट करके धीरे धीरे इन पर काम करते जाओ, और वो इंस्टेंसेस नोट डाउन भी करते जाओ अपने दिमाग में जहां आपकी ये स्किल्स दिख रही हैं और बेटर हो रही हैं। देखो, बहुत मजा आया तुम लोगों से बात करने में, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं।